हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम इसे खोल के 4 फोल्ड में रखेंगे। तो इसे देखिए, मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। तो मैं इसे आपको कागज़ पे फोल्ड करके बता रही हूँ। ये देखिए कपड़े की लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। तो सबसे पहले कपड़े को मैंने लेंथ में फोल्ड किया 1 फोल्ड इस तरह से, और उसके बाद हम इसे विड्थ में 1 फोल्ड करेंगे इस तरह से। सेम मैंने कपड़े को इसी तरह से फोल्ड किया है। दूसरी साइड इसकी फोल्ड है और मेरे साइड इसकी ओपन वाली है। तो अभी देखिए कपड़ा ऊपर से अनइवन है, तो हम इसे एक स्ट्रेट लाइन खींच के पहले बराबर कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम कट कर लेंगे। अभी हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए इसकी जो तैयार लेंथ है वो मुझे 41 इंच की चाहिए। तो इसमें मैं फ्रिल अटैच करूँगी। तो जितनी आपको कुर्ती की टोटल लेंथ चाहिए और जितनी फ्रिल लगानी है वो माइनस कर दीजिए, और बाकी जितना बचता है वो इसकी लेंथ रखिए। तो जैसे मुझे यहाँ पे 41 इंच की चाहिए तैयार लेंथ इसकी, इसमें मैं 11 इंच की फ्रिल अटैच करूँगी। तो 41 से हम 11 इंच माइनस कर देंगे तो 30 इंच बचेगी। अब यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे सिलाई के लिए। तो टोटल मैं यहाँ पे 31 इंच मार्क करूँगी और इसमें मैं 11 इंच की फ्रिल लगाऊँगी। तो ये बनने के बाद हमारी 41 इंच की रेडी होगी। तो यहाँ पे मैं पूरे में 31 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस तरह से, और इसके बाद यहाँ बंद वाली साइड से हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर जितनी भी है उसका हाफ लेते हैं। मैं यहाँ 7 इंच मार्क कर रही हूँ, और इसके बाद आर्म होल मार्क करेंगे। तो वो मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे एक स्ट्रेट लाइन बना के, और इसके बाद हम इसके चेस्ट मार्क करेंगे। तो मैं इसे 34 चेस्ट साइज के लिए बना रही हूँ। तो इसका 1/4 8.5 इंच होता है, प्लस इसमें हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो टोटल मैं यहाँ पे 10.5 इंच मार्क करूँगी इस तरह से, और इसके बाद हम इसकी वेस्ट लेंथ मार्क करेंगे। वो मैं 14 इंच मार्क कर रही हूँ। हिप लेंथ इसमें हम मार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेना है। तो टोटल मैं 9 इंच ले रही हूँ। 28 वेस्ट साइज के लिए मैंने 9 इंच पर मार्क किया, और ऊपर तक हम इसे मिला लेंगे इस तरह से, और उसके बाद नीचे तक हम इसे क्रॉस में मिला लेंगे। तो यहाँ से देखिए बंद वाली साइड से जो इसकी हम घेर रखेंगे वो 18 इंच रखेंगे। आप इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं इसमें 18 इंच मार्क करूँगी, और वेस्ट तक हम इसे मिला लेंगे इस तरह से। और अभी नीचे कॉर्नर पे यहाँ पे हम 2.5 इंच मार्क करेंगे और इसे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह, और इसके बाद हम आर्म होल में सेप देंगे। तो यहाँ पे आर्म होल का हाफ मार्क कर लेंगे और यहाँ तक इसे हम गोलाई देंगे। हाफ इंच अंदर से एक और आर्म होल ड्रॉ करेंगे फ्रंट के लिए, और यहाँ पे हम नेक मार्क करेंगे। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच रख रही हूँ, और नेक टिप बैक के लिए 2.5 इंच, और फ्रंट के लिए मैं 3.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इसमें हम राउंड शेप देंगे, फ्रंट और बैक दोनों साइड हम इसे राउंड शेप देंगे इस तरह। अभी शोल्डर पे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो मार्किंग हमने कंप्लीट कर ली है, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके हम बैक पार्ट्स कट करेंगे, बैक आर्म होल और बैक नेक सबसे पहले कट करेंगे।
और अभी इसमें से हम बैक का पार्ट हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट को उसी तरह से फोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट आर्म होल और नेक कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। अभी देखिए हम इसमें नेक में जो पैटर्न बनाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो अभी ये सिंगल फोल्ड में कपड़ा है हमारा, इसे डबल फोल्ड करेंगे और जो फ्रंट पार्ट हमने कट किया है वो इसके ऊपर रखेंगे, बन साइड की तरफ बन साइड रखेंगे बिल्कुल बराबर से, और इसके नेक की शेप बिल्कुल बराबर से हम इसके ऊपर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से देखिए इसकी हम लेंथ मार्क करेंगे, तो वो मैं 7 इंच रख रही हूँ। 7 इंच पे इस तरह से हम गोलाई में मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है और अभी सेम इसी तरह से हम बैक पार्ट के लिए भी कट करेंगे। तो कपड़े को फिर से हम 2 फोल्ड में रखेंगे इस तरह से, और जो बैक का पार्ट हमने कट किया है वो हम इसके ऊपर रखेंगे बिल्कुल बराबर से, जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसी तरह से बैक नेक को भी इस पे मार्क करके हम इसे कट करेंगे। यहाँ हम बैक नेक मार्क कर लेंगे इस पे और इसे भी हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। इसकी लेंथ हम 7 इंच रखेंगे और गोलाई में इसे भी हम मार्क कर लेंगे और इसके बाद हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स की कटिंग हमने कर ली है, इसे हम डबल लेयर में रखेंगे। तो अभी हम ऊपर वाले लेयर की कटिंग करेंगे, फिर से हम इसे 2 फोल्ड में रखेंगे और इसमें हम एक पार्ट ले लेते हैं। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, हम इसे ले लेंगे और इसके ऊपर बराबर से रखेंगे और नेक की शेप बिल्कुल बराबर से इसके ऊपर भी हम मार्क कर लेंगे। और इसकी जो लेंथ है वो हम कम रखेंगे, तो वो हम इसकी इसकी लेंथ हम यहाँ 4 इंच रखेंगे। 4 इंच पे इस तरह से हम गोलाई में मार्क कर लेंगे और इसे भी हम कट कर लेंगे। और ठीक इसी तरह से हम बैक पार्ट भी कट कर लेंगे, इसे भी हम 2 फोल्ड करके रखेंगे। और जो बैक का पार्ट है वो इसके ऊपर रखेंगे और इसकी नेक हम मार्क कर लेंगे इसके ऊपर। इसे भी हम 4 इंच पे मार्क करते जाएंगे गोलाई में। और इसे भी हम कट कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने कट कर ली फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स के लिए। और इसके बाद इसके फ्रिल की कटिंग हम करेंगे। तो बाकी जितना बचा हुआ कपड़ा है उसे हम रखेंगे। ये कपड़ा 4 फोल्ड में है, यहाँ से हम इसे बराबर कर लेते हैं। और इसके बाद फ्रिल की जो लेंथ है वो मुझे 11 इंच रखनी है, हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मैं 12 इंच पे मार्क कर रही हूँ, 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और यहाँ पे हम
12 इंच की स्ट्रिप्स कट करेंगे। एक स्ट्रिप हम और कट करेंगे, यहाँ पे 12 इंच मार्क कर लेंगे। और अभी यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। तो हमने स्ट्रिप्स कट कर ली हैं। और इसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स ले लिए हैं। हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। और इसके बाद ये देखिए फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम नेक से इसके दोनों पार्ट्स अटैच करेंगे। इस तरह से देखिए सीधी साइड से रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ और बैक पार्ट को बैक पार्ट के साथ इस तरह से रखेंगे बिल्कुल बराबर से। और नेक से हम इसमें सिलाई लगा के अटैच करेंगे। दोनों पार्ट्स को हम नेक से अटैच करेंगे। तो इस तरह से देखिए नेक से मैंने अटैच कर लिया है। अभी देखिए यहाँ से फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट्स में। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में इसी तरह से हम राउंड में सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद हम इसे देखिए यहाँ शोल्डर से अटैच करेंगे। यहाँ से हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और शोल्डर से इसे अटैच कर लिया है। और इसके बाद हम इसे खोल के रखेंगे, उल्टी साइड से रखेंगे। इसे भी हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। सीधी साइड अंदर की साइड है और यहाँ शोल्डर से शोल्डर को मिलाते हुए हम इसे पिन से फिक्स कर लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसे पिन से फिक्स कर लेते हैं। और इसके बाद पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट्स बनाएंगे। कट्स बनाते टाइम सिलाई का ध्यान रखें, सिलाई ना कटे। इस तरह से कट्स बना लेंगे पूरे राउंड में। और इसके बाद हम इसे सीधी साइड से पलट लेते हैं। इस तरह से सीधी साइड से रखेंगे और इसे भी हम सीधी साइड में पलट लेंगे। इस तरह से। और इसके बाद इस पे हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि जो नेक है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो पूरे राउंड में हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। उस तरह से मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अभी हम इसकी आर्म होल्स तैयार करेंगे। तो ये मैंने स्ट्रिप ले ली है इसी शेप की, उल्टी साइड से इसके ऊपर रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। और उसके बाद हम इसे बिल्कुल अंदर की साइड पलट के सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से सिलाई लगा के अटैच करेंगे और अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर एक और सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसके आर्म होल्स भी तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अभी हम इसके फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इसे पलट के उल्टे साइड से रख लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। और अभी हम इस पर फिटिंग के निशान मार्क करेंगे। तो यहाँ से चेस्ट का हम सेंटर मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमने सेंटर पे मार्क किया और सेंटर से एक साइड हम चेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे और वेस्ट का भी 1/4 मार्क कर लेंगे। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी चेस्ट का 1/4 और वेस्ट का 1/4 मार्क कर लेंगे। इस तरह से इन निशान को मिला लेंगे और इसको इसके बाद इसे नीचे तक एक्सटेंड कर लेंगे। और ठीक इसी लाइन पे हमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अभी हम इसकी फ्रिल अटैच करेंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स हमने कट की है इन सभी को हम एक साथ ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से। देखिए रखते हुए सारे स्ट्रिप्स को हम सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे और नीचे से इसे फोल्ड कर लेंगे।
तो देखिए मैंने ये स्ट्रिप्स तैयार कर ली हैं, नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब भी हम इसे अटैच करेंगे। तो एक साइड से देखिए यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे, पिन से फिक्स कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए हम दूसरी साइड बिल्कुल बराबर से इसे निकाल लेंगे, ताकि हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड में ये जो फ्रेल है वो बिल्कुल बराबर बने। तो यहाँ देखिए इसका हाफ हम ले लेंगे और दूसरी साइड में इसे हम अटैच कर लेंगे। यहाँ से देखिए हम इसे अटैच कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी फ्रेल बनाएंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स लगाते हुए पूरे स्ट्रिप्स की हम फ्रिल बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसकी फ्रिल अटैच कर ली है और कुर्ती हमारी बनके रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।